जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे YouTube चैनल कनेक्ट टू एग्जाम पे। आशा है आप लोग अच्छे होंगे और बेहतरीन होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। आप लोगों की तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए हम कनेक्ट टू एग्जाम पे आप लोगों को रीजनिंग पढ़ा रहे हैं और रीजनिंग में इस समय चल रहा है आपका मॉक टेस्ट। और रीजनिंग के साथ साथ जो है हमारी यूट्यूब क्लासेस पे जो है साइंस की क्लासेस बढ़िया तरीके से सुचारू रूप से चल रही है अच्छी तरीके से, और इसी तरीके से मैथ की भी क्लासेस चल रही हैं। और जिसे जितने भी क्लासेस चल रहे हैं, मॉक टेस्ट चल रहे हैं, और जो मॉक टेस्ट जो हैं आपके एग्जाम में इस टाइम जो चल रहे हैं, पैटर्न जो चल रहा है, सेम वैसे पैटर्न लेकर के आपके मॉक टेस्ट करवा जा रहे हैं, जिससे आपको इस एग्जाम में बैठे तो आप लोग क्वेश्चन कुछ भी नया ना लगे। इसलिए आप लोगों को मॉक टेस्ट के जरिए कि जितना ज़्यादा आप मॉक टेस्ट करवा रहे हैं कि क्वेश्चन जितना ज़्यादा आप देख लें। तो इसी तरीके से हम शुरुआत करते हैं आज की क्लास। अब देखते हैं पहले प्रश्न की तरफ, देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। हमारा पहला प्रश्न है कि इसमें दिया गया है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। इसमें क्या दिया गया है, जिस प्रकार से 16 49 से संबंधित है उसी तरीके से 38, इन ऑप्शनों में से कौन सा किससे संबंधित होगा, ऐसा आपको प्रश्न पूछा गया है। तो ऐसे प्रश्नों को क्या होता है, आप सबसे पहले कहते हैं देख रहे हैं 16 के बाद 49 हो रहा है, तो हम इसका ऐसे जो क्वेश्चन को हम चेक करके देखेंगे कि कौन सा इसमें पैटर्न चल रहा है। सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई वाला चेक करते हैं कि पहले वाले से हम दूसरा मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसा पैटर्न चल रहा है क्या, देखते हैं। तो 16 में जो है 16 में कितना जो है मल्टीप्लाई करें जो कि 49 के नज़दीक पहुंच जाए, तो 16 3 48, 3 का मल्टीप्लाई करने के बाद और 1 जोड़ेंगे तो 49 हो जाएगा। तो देखते हैं, अभी ये निश्चित नहीं है ये चल रहा है चले जाएगा कि नहीं चल जाएगा, आगे देखते हैं। 38 है और 38 में जो है 3 का गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 3 3 8 24 और 3 9 2 11, 3 8 24, 3 9 2 11, 114 जा रहा है और 114 देख रहे हैं इसमें अगर एक और जोड़ दें तो 115 प्राप्त हो रहा है। देख रहे हैं 115 जो कि हमें ऑप्शन में कहीं नहीं दिख रहा था, ये पैटर्न जो है ये हमने सही तरीके से नहीं चुना है। अब देखते हैं अगला ऑप्शन कैसे चेक करते हैं। अब देख रहे हैं और अब क्या करेंगे, इन दोनों का हम योग कर लेते हैं, जो संख्याएं दिए रहे हैं इनके अंकों का योग करते हैं, क्या प्राप्त होगा, 6 1 7, 116 है तो 16 में 1 और 6 का योग करेंगे क्या प्राप्त होगा, 7। और देख रहे हैं 7 का अगर हम वर्ग करेंगे तो वर्ग हमें प्राप्त हो जाएगा 49, 7 का वर्ग करेंगे तो हमें 49 प्राप्त हो जाएगी जो दूसरी संख्या प्राप्त होगी। अब देखते हैं अगला वाला सेम ऐसा चल रहा है कि नहीं, 8 38 है तो दोनों का योग करते हैं 8 और 3 क्या होगा, 11, और 11 का योग करेंगे तो हमें देखते हैं 121 प्राप्त हो रहा है। अब देखना है कि हमें ऑप्शन में 121 मिल रहा है कि नहीं, तो ऑप्शन देख रहे हैं ए वाले में 100 दिया गया है, बी वाले में 121 दिख रहा है, तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऐसे ही पैटर्न आपके बनते हैं, आपको ऐसे पैटर्न को चेक करना होता है कौन सा पैटर्न इसमें सुचारू रूप से फॉलो कर रहा है। तो ऐसे जो है पैटर्न पकड़ने के लिए आप जितने अधिक से अधिक जो है क्वेश्चन अटेम्प्ट किए रहेंगे उतने जल्दी आप पैटर्न को देखते ही क्वेश्चन को पकड़ लेंगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ये देख रहे हैं बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इससे एग्जाम आपके बनते हैं, एग्जाम क्वेश्चन बनते हैं। क्या दिया गया है, आकृति दी गई है और इसमें पूछा गया है कितने त्रिभुज हैं इस आकृति में। तो हमने त्रिभुजों के केस में बताया था, अगर कोई भी त्रिभुज हो गया, जैसे आपका त्रिभुज होगा हमने बताया ये आपको इसमें त्रिभुज संख्या पूछे तो क्या हो रहा है, केवल एक ही त्रिभुज मिलेंगे इस ऐसे फिगर में। अगर इसी फिगर को हम दो भागों में बांट दें, इसी फिगर को दो भागों में बांट दें तो उसमें अगर त्रिभुज संख्या पूछे तो आप क्या करेंगे, जितने भाग में डिवाइड हो रहा है उतने भागों को आप जो है काउंट कर लिए कितना उसका योगफल आ रहा है, कितने भागों में हमने डिवाइड किया इसको, 1 और 2, दोनों का योग करेंगे तो हमारा योगफल प्राप्त हो रहा है 3, और इसमें त्रिभुज संख्या क्या प्राप्त होगी, 3 प्राप्त होगी। इस तरीके से त्रिभुज का जो नियम होता है, जितने भागों में आप डिवाइड करते जाएंगे उनका सभी का योग करेंगे जो योगफल आएगा वही आपका त्रिभुजों की संख्या होगी। तो उसी पैटर्न में देखते हैं इसके देखते हैं कि कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 भागों में डिवाइड किया गया है। अब हमें कुछ करना नहीं है, बस एक से लेकर 7 तक का सभी का योग करना है। तो योग करते हैं तो 7 6 13, 13 5 18, 18 4 22, 22 3 25, 25 2 27 1 28, कितने हो रहे हैं 28, योगफल क्या आ रहा है 28, और जो योगफल आएगा वही आपको त्रिभुजों की संख्या होगी। तो 28 देखते हैं ऑप्शन में कौन से ऑप्शन दिख रहा है, बी वाले ऑप्शन, तो आपको बी ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें त्रिभुजों की संख्या क्या हो रही है 28 त्रिभुज मिल जाएंगे। तो बढ़ते हैं आगे, अब ये दिया गया है कथन और निष्कर्ष प्रश्न है, और कथन और निष्कर्ष इस टाइप के जो प्रश्न बनता है इनका आप वेन डायग्राम से हल करेंगे तो बहुत ही क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में और बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। क्या दिया गया है, सभी विद्यार्थी डायरेक्टरेट हैं, तो इसका बनाते हैं डायग्राम हम।
क्या मिल रहा है कि सभी विद्यार्थी डॉक्टरेट, विद्यार्थी के बारे में बात हो रहे थे, आपका मान लीजिए विद्यार्थी हो गया, क्या हो गया विद्यार्थी, ये विद्यार्थी हो गए, ये आपका विद्यार्थी हो गया। अब बोला गया सभी विद्यार्थी डॉक्टरेट हैं, तो ये आपका विद्यार्थी है, सभी विद्यार्थी क्या है डॉक्टरेट, तो आपका डॉक्टरेट को हम डी से डिनोट कर लेते हैं समझने के लिए। अब आगे बोला जा रहा है कि विद्यालय के सभी शिक्षक डॉक्टरेट हैं, विद्यालय के सभी शिक्षक डॉक्टरेट हैं, तो इसमें शिक्षक के बारे में बात किया जा रहा है, तो शिक्षक का डायग्राम कैसे बनेगा, आप इसमें एक गोला बना सकते हैं, ये आपका शिक्षक हो गया, क्या हो गया शिक्षक। बोला जा रहा है विद्यालय के ये क्या है, विद्यालय के शिक्षक है, विद्यालय के सभी शिक्षक क्या हो रहे हैं डॉक्टरेट हो रहे हैं, डॉक्टरेट आपका ये बड़ा वाला सर्कल हो गया डॉक्टरेट है, जो हमने डी से बनाया हुआ है डॉक्टरेट, ये आपका बन रहा है। अब आपका कथन जो है जैसा बोला गया वैसा डायग्राम बन गया है, व्यक्ति निष्कर्ष में क्या देखना है कि कुछ डॉक्टरेट विद्यार्थी हैं, कुछ डॉक्टरेट आपका यहाँ है, डॉक्टरेट यहाँ है, कुछ डॉक्टरेट विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी आपका ये है, बोला जा रहा है कुछ डॉक्टरेट विद्यार्थी हैं, जब कुछ जो है सभी विद्यार्थी के अंदर डॉक्टरेट है, सभी विद्यार्थी डॉक्टरेट है, तो उसमें सभी में कुछ डॉक्टरेट जो है क्या होंगे विद्यार्थी होंगे ही होंगे, तो हमारा ये जो पहला ऑप्शन है ये अलावा सत्य हो रहा है। आगे देख दिया जा रहा है कि कुछ डायरेक्टरेट विद्यालय विश्वविद्यालय के शिक्षक हैं, कुछ डायरेक्टरेट विश्वविद्यालय के शिक्षक हैं, देख रहे हैं डायरेक्टरेट कुछ विद्यार्थी, कुछ डायरेक्टरेट विद्यालय शिक्षक हैं, देख रहे हैं इसमें जब सभी शिक्षक आ रहे हैं तो सभी शिक्षक जो है डायरेक्टरेट करने जा रहे हैं, तो सभी में कुछ जो है कुछ होने की संभावना होती ही है, जब तो सभी हो रहे हैं तो इस तरीके से इसमें कुछ होगा ही होगा, तो ऐसा ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, एक और दो दोनों फॉलो कर रहे हैं, तो हमारा ऐसा ऑप्शन देखना होगा कौन से ऑप्शन में दोनों दिख रहा है, तो देख रहे हैं सी वाला ऑप्शन में दिख रहा है कि दोनों निष्कर्ष अनुसरण कर रहे हैं, तो हमारा सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, दोनों इसका निष्कर्ष सही हो रहे हैं। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन दिया जा रहा है कि दिया गया है उस सही विकल्प का चयन करें जो नीचे दिए गए शब्दों को उसी क्रम में दर्शाता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में मौजूद हैं, इसमें क्या दिए गए हैं, पांच शब्द दिए गए हैं और पांचों शब्दों को जो है अल्फाबेट की सीरीज में आपको इस क्रम में रखना है, कौन सा जिनका क्रम सही हो वही आपको देखना है, तो ऐसे प्रश्नों को सबसे पहले देखते हैं, जो ऑप्शन दिए गए हैं, पांच कथन दिए गए हैं, चार कथन जितने दिए गए हैं सभी को पहले पढ़ेंगे, देखेंगे क्या दिया गया है, देख रहे हैं मैन्युस्क्रिप्ट दिया गया है, माइनर दिया गया है, मेलोडी दिया गया है, मलेशियस और मेमोरी, ये आपके पांच जो है शब्द हैं। अब इसमें देखना है आपको शब्द के अनुसार अल्फाबेट के अनुसार जो है उनको क्रम में रखना है, तो ऐसे प्रश्नों को सबसे पहले देखते हैं कहाँ तक जो है सभी अक्षरों में, कहाँ तक जो है सभी में एक समान है, सभी अक्षर समान है, और जो समान अक्षर के बाद जो अगला अक्षर है अल्फाबेट सीरीज में कौन पहले आता है उसको देखते हैं, तो सभी में देख रहे हैं क्या है, सभी में देख रहे हैं यम, यम जो शब्द है ये सभी में समान दिख रहा है, देख रहे हैं यम इसमें भी है, यम इसमें भी है, यम इसमें भी है, सभी में देख रहे हैं यम समान है। अब यम के बाद देख रहे हैं, इसमें देख रहे हैं यम के बाद ए है, इसमें देख रहे हैं आई है, ई है, ई है और ए है, अब सभी में ए ई आई और इस तरीके से दिख रहा है, तो इस अब इसमें देखना है कि अल्फाबेट सीरीज में कौन पहले आता है यम के बाद में, तो ये देख रहे हैं यम के बाद हम देख रहे हैं ए पहले आ रहा है और इसमें देख रहे हैं ए पहले आ रहा है, तो दो हमें ए दिख रहा है तो हम पहले ए वाले को लेंगे, अब दो ए वाले के बाद दिख रहे हैं कौन सा अक्षर जो है ए के बाद कौन सा अक्षर है जो कि अल्फाबेट सीरीज पहले आएगा, देख रहे हैं इसमें ए के बाद एल है और इसमें देख रहे हैं ए के बाद एन है, तो अल्फाबेट सीरीज में हम जो है अगर जाएंगे तो है पहले के एल आएगा या एन आएगा, तो एल के बाद उसके बाद एल एम एन, तो पहले एल आएगा, तो पहले एल आएगा तो हम पहले इसका जो क्रम रखेंगे चार वाला जो क्रम होगा उसका पहला होगा, चार हम पहले रखेंगे, तो हम ऑप्शन से देखते हैं कौन सा ऑप्शन चार पहला है, जब चार ये पहला हो जाएगा तो ये दूसरा हो जाएगा दूसरे स्थान पर, एक दूसरे स्थान पर होगा, तो देख रहे हैं बी वाले में चार पहले स्थान पर नहीं है, डी वाले में जो पहले स्थान पर नहीं है, दो ऑप्शन हमारे ऐसे ही हट गए, अब देख रहे हैं इसमें में चार और एक इसमें भी है, चार और एक इसमें दिख रहे हैं, अब आगे बढ़ते हैं ये दोनों हो गए हैं, अब बचे हैं आपके ई वाले बच रहे हैं, दिख रहे हैं ई और आई वाला बच रहे हैं, यम के बाद जो है ई इसमें दिख रहा है और इसमें आई दिख रहा है, अब हम अल्फाबेट सीरीज पहले ई आता है तो पहले ई वाले को देखेंगे हम, तो ई वाले के देखेंगे तो ई के बाद देख रहे हैं इसमें एल मिल रहा है और इसमें देख रहे हैं एम मिल रहा है, तो अल्फाबेट सीरीज पहले एल आता है या एम आता है, तो पहले एल आता है उसके बाद एम आता है, तो पहले एल वालों को हम पहले रखेंगे, अर्थात चार एक हो गया था, चार एक के बाद जो दिख रहे हैं तीन वाला क्रम आएगा, तो तीन वाला क्रम कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, इसमें दिख रहा है, तो ए वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत हो गया,
देख रहे हैं तीन, हमने ऑप्शन से ही इसको बहुत ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी, बस ऑप्शन ऑप्शन की मदद से इसको हमने चेक कर लिया कि इसमें चार एक के तीन हो गया। उसके बाद अगला जो होगा पांच हो जाएगा, क्योंकि ये एल के बाद एम आता है तो पांच हो जा रहा है, और अंतिम में देख रहे हैं आई आता है तो अल्फाबेट सीरीज में अंतिम में आई है तो ये अंतिम में इसमें दो दो दिख रहा है। तो इस तरीके से अल्फाबेट जो है ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखना आना चाहिए आपको। क्वेश्चन जो है कोई भी एग्जाम हो गया, अब ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे तो कम समय में क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेंगे और कम जो है ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि फिगर दिया गया है, फिगर को तो पूर्ण करना है। इसमें देख रहे हैं जैसा फिगर दिख रहा है बस इस जो खाली स्थान है इस खाली स्थान को आपको पूर्ण करना है, और इस चार अक्षरों में से कौन सा जो है इसको पूर्ण करेगा आपको देखना है। देख रहे हैं ऐसे प्रश्नों को हम ऑप्शन देखते हैं, ये वाला ऑप्शन देख रहे हैं, ये वाला ऑप्शन जो है ऐसा फिगर कहीं नहीं दिख रहा है तो ये मैच नहीं कर रहा है, ये वाला हमारा ऑप्शन होगा नहीं। इसमें देख रहे हैं सभी में देख रहे हैं किस तरीके से फिगर फिगर बना है, एक अर्धवृत्ताकार टाइप बना हुआ है देख रहे हैं, और सभी को मिला के देंगे तो हमें देख रहे हैं सभी को मिलाने के बाद एक वृत्त बन जाएगा। तो हमें देखना है कि इसमें देख रहे हैं वृत्त वाला संकल्प नहीं, ये जो लाइन दिख रही है अर्धवृत्ताकार नहीं है, इस कारण ये गलत हो गया। इसमें देख रहे हैं अर्धवृत्ताकार ये तो है, लेकिन जो है इसके बाद जो है फिगर है ये जैसा फिगर दिख रहा है वैसा नहीं मैच कर रहा है, इस कारण इसको भी हम गलत कर सकते हैं। डी वाला ऑप्शन बच रहा है, देख रहे हैं डी वाला ऑप्शन अर्धवृत्ताकार भी बना रहा है और जो है और बाकी जो फिगर है फिगर को पूर्ण कर रहा है, तो जब फिगर को पूर्ण कर रहा है तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऐसे फिगर को ऐसे प्रश्न देख रहे हैं आपके एसएससी एमटीएस 2023 का अभी हाल ही में जो एग्जाम हुआ बस उसमें पूछा गया है, तो ऐसे प्रश्न आपके बनते हैं और ऐसे प्रश्नों के बाद बस क्वेश्चन देखेंगे और ऑप्शन देखेंगे, बस उसमें ऑप्शन से आप क्लिक कर लेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। आगे दिख रहा है डाइस पासा से प्रश्न पूछा गया है और उसमें देखिए एक पासे की तीन स्थितियां दी गई हैं और उसमें बोला गया है कि एक से छह तक की संख्या अंकित है इस पासे पर, इसकी तीन विभिन्न स्थितियां दर्शाई गई हैं, इस संख्या का चयन करिए जो तीन दर्शाने वाले पृष्ठ के विपरीत पृष्ठ पर अंकित हो। अर्थात क्या पूछा जा रहा है, तीन का विपरीत सतह पूछा रहा है, तीन का विपरीत फलक कौन सा होगा। जब तीन जो सतहें दिख रहा है अर्थात तीनों का कुछ न कुछ यूज होगा तभी जो है तीनों दिख रहा है। तो ऐसे कैसे हम क्या करते हैं, तीनों को आपस में रिलेट करके देखते हैं क्या हो रहा है। हम देखेंगे पहला और दूसरा, पहले और दूसरे फिगर में देखेंगे देख रहे हैं क्या कॉमन दिख रहा है, दोनों में एक जो है कॉमन दिख रहा है, इसमें भी देख रहे हैं एक कॉमन दिख रहा है, इसमें भी देख रहे हैं एक कॉमन मिल रहा है। अगर अगर एक सतह कॉमन दिख जाए तो आपको हमने बताया है कि अगर एक सतह कॉमन दिख जाए तो जो सतह कॉमन है वहां से आप स्टार्ट करेंगे क्लॉकवाइज घूम जाएंगे, अगर विपरीत सतह की याद करना है तो हम क्लॉकवाइज घूमते हैं तो एक के बाद तीन आएगा, तीन के बाद जो है क्लॉकवाइज पहले वाले में एक के तीन बाद दो आ जाएगा, ये पहला वाला हो गया। अब इसमें भी क्लॉकवाइज चलेंगे तो एक के बाद चार आएगा, चार के बाद छह आएगा। अब जो ये आमने सामने दिख रहे हैं आपस में जो है सतह दिख रहे हैं दिखेंगे आपस में विपरीत सतह होंगे, अर्थात दो का विपरीत सतह छह होगा और तीन का विपरीत सतह चार होगा, और एक का विपरीत सतह कौन सा होगा, जो इन ऑप्शनों में से एक से लेकर छह के बीच में जो नहीं दिख रहा है वो पांच का विपरीत होगा, वो एक का विपरीत होगा। तो इसमें से एक का जो है कौन सा अंक नहीं दिख रहा है, एक दो तीन, तीन दिख रहा है, चार दिख रहा है, छह दिख रहा है, लेकिन पांच नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमें पता है पासे में एक से लेकर छह तक गिनतियां होती हैं तो पांच नहीं दिख रहा है, तो इसका पांच का जो है विपरीत होगा एक। हमने ये पहला दूसरा को रिलेट करके देख लिया, अब इससे हम इससे भी हम आंसर को ढूंढ सकते हैं कि तीन का विपरीत क्या बोला गया, तीन का विपरीत कौन सा होगा। देख रहे हैं तीन का विपरीत चार दिख रहा है, आपको मिल गया है, लेकिन जो है तीसरे पास को भी देखेंगे कि इसमें क्या दिख रहा है। इस तीसरे वाले पासे को देखेंगे क्या हो रहा है, ये पहला और तीसरा को देखेंगे तो दिख रहे हैं एक तीन दो दिख रहा है, इसमें दिख रहे हैं एक दो चार। अब इसमें क्या देख रहे हैं आप, एक और दो दो इसमें भी दिख रहा है और एक और दो दो इसमें दिख रहा है, तो अगर दो सतह दिख रहे हैं तो दो सतह कॉमन है तो इसको आप बोलेंगे दो सतह कॉमन। दो सतह कॉमन के केस में क्या होता है, जो सतह कॉमन है उनको छोड़ करके जो सतह नहीं जो कॉमन नहीं है वो आपस में विपरीत होंगे, अर्थात एक दो के अलावा जो सतह दिख रहा है चार और तीन, ये चार और तीन आपस में क्या होंगे, विपरीत सतह होंगे। तो आप सब बोला क्या है, तीन का विपरीत सतह क्या होगा, चार होगा। ये पहले वाले तीसरे पहले और तीसरे देखने के बाद देख रहे हैं एक और दो कॉमन है इसको नहीं लेना है, तीन और चार आपस में जो है सतह कॉमन नहीं है तो ये आपस में विपरीत होंगे तीन और चार। अब ऑप्शन देख रहे हैं कि तीन का विपरीत हमें कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, चार। तो ऑप्शन देख रहे हैं बी वाले ऑप्शन में चार दिख रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। देखा हमने ये दो सतह केस में देखा तो तब भी हमारा जो सतह तीन का विपरीत चार आ रहा था और एक सतह कॉमन था उसमें भी देख रहे हैं जो सतह हमारा आंसर सेम वैसा ही समान है।
तो ऐसे प्रश्न आपको जो है इस टाइप के बनते हैं, एक सतह का मान, दो सतह का मान, और कभी क्या होता है कोई भी सतह का मान नहीं होता, इससे भी प्रश्न बनते हैं। तो ऐसे टाइप आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम प्रैक्टिस माध्यम से सभी टाइप के प्रश्न आपके क्वेश्चन करवाते रहेंगे। अब देख रहे हैं ये भी क्वेश्चन पूरा आपसे पूछा जा रहा है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कितने त्रिभुज होंगे, त्रिभुजों की संख्या क्या होगी। तो ऐसे केस में अगर आपको हमने बताया है, आपको पता होना चाहिए, अगर आपको वर्ग में अगर कभी त्रिभुज पूछा जाए कि इस फिगर वर्ग में इस टाइप के क्रॉस में बना जाए, और अगर इसमें आपको त्रिभुजों की संख्या पूछा जाए तो कुछ नहीं करना है, बस एक ट्रिक अपना लीजिए, जितने भाग में डिवाइड किया गया है सभी को काउंट कर लीजिए, जो बड़ी संख्या है उसका दुगुना कर दीजिए। क्या है, बड़ी संख्या चार है, चार का दुगुना कर दीजिए, क्या होगा, आठ। अर्थात एक वर्ग में जो त्रिभुज बनेंगे टोटल आठ त्रिभुज बनेंगे। अब देख रहे हैं इसी टाइप के त्रिभुज, अगर इसी टाइप के वर्ग बन रहे हैं, चित्र बन रहा है, कितने चित्र बन रहे हैं, एक दो तीन, कितने चित्र बन रहे हैं, तीन चित्र बन रहे हैं। इस तरीके से आप कर सकते हैं कि एक जो वर्ग में जो आठ त्रिभुज बन रहे हैं, इस तरीके से तीन वर्ग प्राप्त हो रहे हैं, तो 24 त्रिभुज इस तरीके से प्राप्त हो रहे हैं वर्ग में। अब अगर कभी भी दो वर्ग का आपस में कभी सट जाए, पास पास हो जाए, कैसे हो जाए, मान लीजिए आपका एक और बना लेते हैं। अब इसमें देख रहे हैं, अब इसमें अगर आपसे पूछा जाए क्या होगा, आठ इसमें बन रहे हैं, आठ इसमें बन रहे हैं, आठ आठ सोलह, और इसी केस में जहां दो सतह मिल जाएंगे तो दोनों सतह को आप एक एक काउंट करेंगे, क्योंकि देखेंगे ये सतह यहाँ आपको एक त्रिभुज बड़ा सा यहाँ बन रहा है और एक त्रिभुज यहाँ बन रहा है यहाँ पर। तो आप ऐसे जो इसके फिगर को कैसे काउंट करेंगे, जितने ज्वाइंट हो रहे हैं आप इसको काउंट कर लीजिए, एक यहाँ हो रहा है, एक यहाँ, दो यहाँ बन रहे हैं, तो आठ आठ सोलह और दो अठारह, इस फिगर में कितने त्रिभुज बन जाएंगे, अठारह त्रिभुज। तो इसी नियम को फॉलो करते हुए हम इस त्रिभुज को देखते हैं, इस फिगर को देखते हैं, कहाँ कहाँ कितने ज्वाइंट हो रहे हैं। तो देख रहे हैं एक दो ज्वाइंट यहाँ हो रहे हैं, इन दोनों को लेंगे तब, और एक और दो यहाँ, अर्थात आठ त्रि चौबीस, और चौबीस दो छब्बीस, दो अट्ठाईस, अट्ठाईस मिल रहे हैं, कितने त्रिभुज, सॉरी अट्ठाईस, चार हो रहे हैं, चार प्राप्त हो रहे हैं, दो इधर प्राप्त हो रहे हैं, दो इधर प्राप्त हो रहे हैं। अब देख रहे हैं क्या हो रहा है, एक त्रिभुज प्राप्त मिल रहा है आपको, क्या हो रहा है, सभी तीनों आयतों को वर्गों को मिलाने के बाद देख रहे हैं एक बड़ा त्रिभुज प्राप्त हो मिल रहा है, कहाँ पे, ये वाला भाग देख रहे हैं, एक बड़ा वाला त्रिभुज मिल रहा है, इन तीनों चित्रों को मिलाने के बाद एक बड़ा त्रिभुज मिल रहा है। तो हमारे टोटल त्रिभुज मिल रहे हैं 24 प्लस 4 प्लस 1, टोटल 24 4 28 एक 29 त्रिभुज मिल रहे हैं। तो देखते हैं ऑप्शन में कहाँ 29 दिख रहा है आपको, तो 29 देख रहे हैं, हमारा ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इस तरीके से हम इसमें करना कुछ नहीं था, बस एक वर्ग में आठ त्रिभुज मिल रहे थे, इस तरीके से तीन त्रिभुज आपको मिले, तीन वर्ग मिले तो तीन आठ चौबीस, उसके बाद जितने ज्वाइंट हो रहे हैं सभी ज्वाइंट को आप काउंट कर लीजिए, यहाँ पर दो ज्वाइंट मिले, एक दो और तीन चार, तो चार त्रिभुज आपके यहाँ प्राप्त हो गए, और उसके बाद एक बड़ा सा त्रिभुज बन रहा है, टोटल 29 त्रिभुज मिल रहे हैं। अब देख रहे हैं आगे, ये भी जगह है पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग से, इसमें क्या दिया जाता है, दिखाया गया है कि ये पेपर है, पेपर को इस तरीके फोल्ड किया जाता है, फिर उसके बाद इस तरीके से फोल्ड किया जाता है, और फोल्ड लास्ट में फोल्ड करने के बाद इस तरीके से इनको काटते हैं, और काटने के बाद फिर से इसको ओपन करते हैं, तो ओपन करने के बाद इन ऑप्शनों में से कौन सा फिगर बनेगा। तो ऐसे ऑप्शनों को क्या करते हैं, जब एक फोल्ड इसको जो काटने के बाद जो एक फोल्ड खोलेंगे उसके बाद उसका है पलट देंगे तो आपको फिगर प्राप्त हो जाएगा। तो उसमें देखते हैं क्या मिल रहा है आपको, एक सर्कल है, त्रिभुज है, और आपको ये चतुर्भुज मिल रहा है। अब इसको अगर खोलेंगे तो जो है ये वाला फिगर जो होगा चतुर्भुज सेम इसी के पास प्राप्त होगा, सेम जो है इसी के डायरेक्शन में यहाँ प्राप्त होगा, और अगला जो है त्रिभुज होगा ये ऊपर प्राप्त होगा, और त्रिभुज और जो है त्रिभुज और वृत्त जो है आपस में शामिल होंगे। देखते हैं ऑप्शन में, ऑप्शन में देख रहे हैं तो हमारा देख रहे हैं इसमें वाले में ये वाला जो है हमारा कटिंग वाला फिगर था, ये हमारा क्वेश्चन था। अब इसको खोलने के बाद देख रहे हैं ये वाला फिगर देख रहे हैं चेंज हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है, इसके कारण ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जा रहा है। अब इसमें देखते हैं हमारा ये क्वेश्चन जैसे फोल्ड कटिंग किया था, कटिंग करने के बाद में खोल रहे इसको ओपन किया, ओपन करने के बाद देख रहे हैं ये हमने ओपन किया, उसके बाद यहाँ तक देख रहे हैं ये भी सही बन रहा है, ये भी सही बन रहा है, ये यहाँ दिख रहे हैं ये वाला त्रिभुज दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं इसका जो है क्रम है सेम वैसा ही दिख रहा है, जबकि इसको पलटेंगे तो इसका जो पलटेंगे तो जो सेम मिरर इमेज बनता है इसका मिरर इमेज सेम ऐसा नहीं रहेगा, तो इस तरीके से इस कारण ये भी अलग गलत हो जाएगा। सेम ऐसा दिख रहे हैं जैसा ये त्रिभुज इसमें दिख रहा है, सेम ऐसा इसमें दिख रहा है, इस कारण ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसको बदलेंगे तो उसका जो इसमें इसकी स्थिति में बदलाव हो जाएगा, और सेम ऐसा स्थिति दिख रहे हैं उस स्थिति में जब यहाँ जैसा प्राप्त होगा सेम ऐसा स्थिति ऊपर वाले में प्राप्त होगा, इस तरीके से ये भी मैच नहीं कर रहा है, तो सी वाला ऑप्शन भी अपना गलत हो जाएगा।
डी वाला ऑप्शन देख रहे हैं, ये आपका प्रश्न आकृति थी, और इसको ओपन करने के बाद देख रहे हैं सेम ऐसी आकृति वहाँ ऊपर मिल रही है, और उसका उन दोनों को मिला करके ऊपर उठा करेंगे वो खोलेंगे तो अपना मिरर इमेज प्राप्त होगा, जो मिरर इमेज प्राप्त हो रहा है सही तरीके से प्राप्त हो रहा है तो वहाँ ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें क्या होता है मिरर, आप मिरर इमेज से अगर रिलेट करके देखेंगे और एक फोल्ड खोलने के बाद मिरर इमेज उसका बना देंगे तो आपको जो फिगर सेम है वैसा मिल जाना चाहिए, तो ऐसा मिल रहा है आपको ऑप्शन नंबर डी में। देख रहे हैं ये आपका ये प्रश्न दिया गया है, एक कक्षा में 70 छात्र हैं, उनमें से 50 छात्रों को क्रिकेट पसंद है, 35 छात्रों को क्रिकेट और फुटबॉल दोनों पसंद है, कुछ को केवल फुटबॉल पसंद है, तो उस वैन आरेख का चयन के लिए जो दी गई जानकारी को उपयुक्त ढंग से दर्शाता है। तो ऐसे डायग्राम को क्या बनाया गया है, कैसे देखते हैं, आपको प्रश्न देखना है कि टोटल कितने छात्र हैं, 70 छात्र हैं, और 70 छात्रों में 50 छात्रों को क्रिकेट पसंद है और 35 छात्रों को क्रिकेट और फुटबॉल दोनों पसंद है। तो 35 छात्रों को क्रिकेट और फुटबॉल दोनों पसंद है तो हमें देखना है कौन से जोन कौन सा ऐसा जो है डायग्राम है जो बीच में 3500 और तो बीच देख रहे हैं सभी में 35 दिख रहा है, हमारे बस सी वाले में देख रहे हैं 35 नहीं दिख रहा है, इस तरीके से सी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, पहला ये हो गया। अब आपसे बोला जाए अगर क्रिकेट वाले में बोला गया था, हम इसको डायग्राम बना लेते हैं अलग से आपको समझाने के लिए, बोला गया है 35 छात्र क्या बोल रहे हैं, क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेल रहे हैं, ये मान लीजिए आपका क्रिकेट हो गया, ये आपका फुटबॉल हो गया। अब क्रिकेट टोटल कितने खेल रहे थे, 50 छात्र क्रिकेट खेल रहे थे, 50 में 35 जो हैं 35 जो है क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेल रहे हैं, बच रहे हैं कितने, 15 बच रहे हैं, 15 जो है आपके क्रिकेट वाले मिल जाएंगे, क्योंकि दोनों का योग 50 होना चाहिए, देख रहे हैं 35 और 15 का योग करेंगे 50 प्राप्त हो जाएगा केवल क्रिकेट खेलने वाले। अब क्या बोला गया है टोटल छात्र कितने हैं, 70 छात्र हैं, और इसमें देख रहे हैं 35 50 हो गए हैं, और 50 हो गए हैं तो उसके बाद कितने बचेंगे, जो 20 छात्र बचेंगे, और 20 छात्र जो बचेंगे वो फुटबॉल वाले होंगे। अब देखते हैं ऐसा फिगर कहाँ मिल रहा है, जैसे हमने डायग्राम बनाया आपको समझाने के लिए, ऐसा फिगर आपको कहाँ मिल रहा है, देख रहे हैं ए वाले ऑप्शन में 10 35 25 दिख रहा है, तो ये अलग नहीं होगा, ये वाला नहीं भी होगा क्योंकि इसमें देख रहे हैं ऐसा नहीं दिख रहा है। सी वाले देख रहे हैं ये 15 आपका क्रिकेट वाले हो गए, 20 आपके फुटबॉल वाले हो गए, और 35 जो हो गए दोनों हो गए बोथ। तो हमारा जो बेहतरीन तरीके से फॉलो कर रहा है वेन डायग्राम डी वाला ऑप्शन, तो डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, ये भी वेन डायग्राम है और उसका टाइप अलग है। क्या बोला गया है, कंप्यूटर साइकिले और वन, इन तीनों को वेन डायग्राम्स माध्यम से आपको दर्शाना है कि कौन सा डायग्राम बनेगा। तो देख रहे हैं कंप्यूटर साइकिल और वन, तीनों देख रहे हैं क्या है, कंप्यूटर न तो साइकिल संबंध है न तो वन संबंध था, तीनों क्या है अलग अलग हैं, अलग अलग श्रेणी के प्रकार ये जो है प्रकार हैं। तो हमें ऐसा डायग्राम को देखना होगा जो कि तीनों में कुछ ना कुछ संबंध होगा, क्योंकि कुछ नहीं संबंध होगा क्योंकि तीनों अलग अलग टाइप के कैटेगरी के ये जो है दिया गया है। तो हम ऐसे टाइप को जो डायग्राम देखेंगे तो हमारा बी वाला ऑप्शन नहीं होगा, डी वाला भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें देख रहे हैं तीनों में कुछ ना कुछ संबंध है। इसमें हमें ऐसा देखना है कि कौन से उसमें तीनों क्या है अलग अलग होना चाहिए, क्योंकि तीनों अलग अलग श्रेणी के प्रकार ये वस्तुएं हैं। तो इस तरीके से हमारा देख रहे हैं जो फॉलो कर रहा है केवल ऑप्शन नंबर ए, हम अगर एक को कंप्यूटर मान लें, एक को साइकिल मान लें और एक को वन मान लें, तो हमारा जो तीनों देख रहे हैं अलग अलग तरीके से फॉलो कर रहा है, हमारा ए वाला ऑप्शन सही होगा इस तरीके से डायग्राम के माध्यम से। अब आगे दिया जा रहा है आपको कि एक श्रृंखला दिया गया है, और श्रृंखला में देख रहे हैं श्रृंखला में खाली स्थान पर आपको देखना है क्या भरा जाएगा, ये आपको प्रश्न बोला गया है। तो ऐसे प्रश्नों को क्या देखते हैं, सबसे पहले प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है, देख रहे हैं सी ई जी एफ ई जी आई एच और उसके बाद खाली स्थान है। तो सभी श्रृंखला को देखने के बाद आपको कुछ ना कुछ समझ में आ रहा होगा क्या हो रहा है, देख रहे हैं सी के बाद देख रहे हैं ई आ रहा है, ई के बाद जी, जी के बाद एफ और एफ के बाद ई, ई के बाद जी। तो आपको एक चीज देख रहे हैं क्या हो रहा है, या अगर ई को देखें, हम एक को सी को छोड़ करके ई को देखें, तो ई के बाद देख रहे हैं एकांतर पे एफ आ रहा है, और एकांतर पे देख रहे हैं जी आ रहा है, जी के बाद एच आ रहा है, और देख रहे हैं सभी में क्या हो रहा है प्लस वन अर्थात एक एक क्रमागत चल रहे हैं, ई एफ जी एच आई जे इस तरीके से चल रहा है एकांतर पे। अब देखते हैं ये वाला पैटर्न हमको मिल गया है। अब आगे देखते हैं सी ओ जी वाला, सी ओ जी देखते हैं दोनों में कितना का अंतर है, देख रहे हैं दोनों में 7 का 4 का अंतर है, सी का 3 होता है और 7 का जी का 7 होता है,
दोनों में क्या चार का अंतर है, और चार का अंतर पे दिख रहे हैं आगे फिर जाएंगे तो सात और पांच, सात और पांच देखेंगे तो दो का अंतर हो रहा है, चार के बाद दो का अंतर हो रहा है, और दो के बाद देखते हैं क्या अंतर हो रहा है आपका, पांच है और नौ प्लस चार हो रहा है। अब आपको समझ में आ रहा है क्या पैटर्न चल रहा है, पहले माइनस चार हुआ, फिर माइनस दो हुआ, फिर आगे चल रहा है प्लस चार, तो क्या देखना है, तो सॉरी देख रहे हैं ये माइनस नहीं है प्लस चार हुआ देख रहे हैं, थोड़ा मिस्टेक हुआ, सी के बाद देख रहे हैं जी आ रहा तो प्लस चार होगा, हमें थोड़ा लिखने में थोड़ा मिस्टेक हुआ, तो सी के बाद प्लस चार, फिर माइनस दो हो रहा है, फिर प्लस चार, और प्लस चार के बाद फिर अगली जो सीरीज होगी माइनस दो, इस तरीके से पैटर्न चल रहा है। तो माइनस दो करेंगे तो क्या होगा, आई से दो माइनस सेलेक्ट करेंगे तो आई आपका आएगा जी, क्योंकि आई का नौ होता है, नौ में से दो माइनस करेंगे सात होता है, सात सात होता है जी का होता है, तो हमारा जो है खाली स्थान पर जी आ रहा है। तो देखते हैं कौन से ऑप्शन में आपको जी दिख रहा है, पहला ऑप्शन ई दिख रहा है तो ई अलग गलत हो जाएगा, इस तरीके देखेंगे जी हमारा ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है तो सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इसमें, इस पैटर्न में। बढ़ते हैं आगे, आगे देख रहे हैं दिशा निर्देशन से प्रश्न दिया गया है, उसमें बोला गया है जोसेफ अपने घर से विद्यालय की ओर चलना शुरू करता है, तो ऐसे प्रश्नों को क्या करते हैं, उससे पहले देखते हैं कहाँ वो शुरुआत करता है, किस तरीके से चल रहा है। जोसेफ अपने घर से विद्यालय की ओर चलना शुरू करता है, वह पहले पश्चिम की तरफ घूमता दो किमी जाता है, फिर दक्षिणावर्त 90 डिग्री घूमता है, अपने विद्यालय तक पहुंचने के लिए 2 किमी चलता है, उसके विद्यालय से उसका घर किस दिशा में है ऐसा पूछा गया है। तो डायरेक्शन केस में क्या होता है, आपसे पहले क्वेश्चन में बोल दिया जाता है, अगर नहीं बोला जाता है तो हमेशा जितने भी टर्न लेंगे वो 90 डिग्री के होंगे ही होंगे, तो इसमें तो आपको बोल दिया गया है 90 डिग्री के मुड़ेंगे। अब शुरुआत करते हैं घर से, जोसेफ अपने घर से चल रहा है, मान लीजिए जोसेफ का घर हो गया, बोला जा रहा है जोसेफ अपने घर से पश्चिम की ओर 2 किमी जाता है, तो हम डायरेक्शन के लिए बना सकते हैं आपका ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, नॉर्थ और साउथ, तो पश्चिम बोला जा रहा है तो पश्चिम कहाँ जा रहा है, 2 किमी जा रहा है, तो हम इस तरीके बना सकते हैं 2 किमी पश्चिम जा रहा है, और उसके बाद फिर दक्षिणावर्त दिशा में 90 डिग्री घूमता है, अपने विद्यालय तक पहुंच जाता है, अर्थात दक्षिणावर्त कहाँ जाएगा, दाहिने, दक्षिणावर्त को क्या बोलते हैं, दाहिना बोल सकते हैं, दाहिना जाएंगे 90 डिग्री तो आपका कहाँ जाएंगे, ऊपर की तरफ, और कितने जा रहा है 2 किमी, और यही आपका उनका विद्यालय है। अब आपसे इनसे पूछा गया है कि विद्यालय से उसका घर किस दिशा में है, विद्यालय से उसका घर किस दिशा में आपको दिख रहा है, तो उस विद्यालय से उसका घर किस दिशा में दिख रहा है, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व में कौन सा दिशा हो रहा है, दक्षिण पूर्व, तो दक्षिण पूर्व कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया जा रहा है आपसे, कि श्रृंखला चल रही है, श्रृंखला में खाली स्थान पर प्रश्न स्थान पर कौन सा जो है अंक आएगा, तो देखते हैं क्या श्रृंखला चल रही है, देख रहे हैं 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 15 दो देख रहे हैं श्रृंखलाओं के अंतर जो गैप है बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, तो ऐसे केस में क्या देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं क्या चल रहा है आपका, तो देख रहे हैं 3, 4, 5, 6, 9, 10 क्या हो रहा है, 3 के पास 4, 4 के पास 5 प्लस 1 फिर से 5 के बाद +1 हो रहा है, और उसके बाद देख रहे हैं 6 के बाद +3 हो रहा है, फिर से +3 के बाद फिर से 9 प्लस 1, 10 प्लस 1, 10 प्लस 11 प्लस 12, 12 प्लस बाद 3 देख रहे हैं क्या पैटर्न आपको मिल रहा है, देख रहे हैं 3 बार मतलब प्लस 3 बार जो है प्लस वन की वृद्धि हुई, उसके बाद जो चौथा बार जो वृद्धि हो रही है +3 की वृद्धि हो रही है, +3 के बाद फिर से 3 बार जो है +1 की वृद्धि हो रही है, +3 के बाद फिर चौथा जो हो रहा है +3 की वृद्धि हो रही है, अब उसके बाद जो पैटर्न होगा फिर से +1 की जो सीरीज चलेगी, तो +1 15 है, तो अगली जो सीरीज होगी 15 प्लस 1 क्या होगा 16, क्या प्राप्त होगा 16, देखते हैं ऑप्शन में 16 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ऐसे। तो अगर बहुत ज्यादा अंतर गैप नहीं है तो क्या देखेंगे, सबसे पहले उनका अंतर देखते हैं किस तरीके से उनका अंतर चल रहा है, अगर बहुत ज्यादा गैप है तो उनका जो है कई इसका कई सेंट्रियां होती हैं, गुड़ा भाग या इस तरीके से कई सेंट्रियां के माध्यम से चेक किया जाता है। यह है आज का अंतिम प्रश्न, क्या दिया गया है कि संख्याओं के 4 युग्म दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरीके से समान है और 1 असंगत है, असंगत का चयन करना है, तो आप सब देख रहे हैं क्या दिया रहा है कि 798 है, 898, 798 इस तरीके से पहला दिया गया है, दूसरा दिया गया है 564, 645, 456,
और 321, 213, 123, 423, 324, 231। तो चारों ऑप्शन देखने के बाद देख रहे हैं आपको जो है असंगत को ढूंढना है। देख रहे हैं क्या है, पहले ऑप्शन देखेंगे तो 7, 9, 8 ये तीन संख्याएं हैं और तीनों संख्याओं को देख रहे हैं बस उनका जो है क्रम बार बार आगे पीछे हो जा रहा है बल्कि संख्याएं बदल नहीं रही हैं। देख रहे हैं तीनों में सेम संख्याएं वही हैं बस क्रम बदल रहा है। अब सेम ऐसा पैटर्न देख रहे हैं 5, 6, 4 पर तीन जो संख्याएं हैं देख रहे हैं बस उनका भी क्रम देख रहे हैं 6, 4, 5, 5, 4, 5, 6 संख्याएं वही हैं बस उनका क्रम लगातार बदल रहा है। और इस तरीके से देखते हैं सी वाला ऑप्शन देख रहे हैं अर्थात ये भी समान है, ये भी समान पैटर्न चल रहा है। अब देखते हैं सी वाला में 3, 2, 1, 3, 2, 1 अर्थात 1, 2, 3 ये जो संख्याएं हैं बस उन्हीं संख्याओं को देख रहे हैं, ये इसमें भी पैटर्न सेम ऐसा चल रहा है बस जो है क्रम वाइज बदल रहा है। इसमें भी संख्याएं सेम समान है बस क्रम बदल रहा है। तो तीन तरीके से ये समान हो गए ए बी सी, तीन समान हो गए तो हमें असंगत को चुनना था, तब तो चौथा जो होगा वो असमान होगा ही होगा क्योंकि जब ऑप्शन दिया गया तो वो असमान होगा ही। अब देख रहे हैं क्या दिया जा रहा है 432, 432। अगला दिया गया है 324, संख्याएं सेम ऐसा दिया गया है बस 4, 2, 3, 3, 2 देख रहे हैं इनका जो बस क्रम बदल गया है। लेकिन अगले जो सीरीज में जाने पर देख रहे हैं 2, 3, 1 देख रहे हैं।